नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर को जिसको SR कांतवा जी ने लिखा है उसमें एग्रोनॉमी का आज हम 8वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं। ठीक, एग्रोनॉमी का इससे पहले मैं 7 लेक्चर्स पढ़ा चुका हूँ आपको। आज हम 8वां लेक्चर पढ़ेंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 131 से लेके 150 के बीच वाले जो ये 20 क्वेश्चन हैं इन्हीं के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये SR कांतवा जी की ये जो ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर की सीरीज चल रही है इसको आप मेरे यूट्यूब चैनल पर रोज सुबह 10 बजे देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। देखो पूछ क्या रहा है, द ऑयल एंड प्रोटीन कंटेंट ऑफ ग्राउंड नट आर, मतलब कि ग्राउंड नट में यानी कि मूंगफली में ऑयल और प्रोटीन कितना होता है, यानी कि दाल और ऑयल यानी कि तेल और प्रोटीन कितना कितना परसेंट पाया जाता है। ऑप्शन ए 20-50%, ऑप्शन बी 26-45%, ऑप्शन सी 45-26%, ऑप्शन डी 50-26%। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ये जो आगे वाले ये हैं ये सब ऑयल कंटेंट बता रहे हैं और पीछे वाले जो हैं ये सब प्रोटीन कंटेंट बता रहे हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका राइट आंसर है। ग्राउंड नट में ऑयल जो होता है वो 45% पाया जाता है और जो प्रोटीन होता है वो 26% पाया जाता है। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइजिंग ऑफ क्रॉप विद द लीस्ट टिलिंग ऑपरेशन इज कॉल्ड, मतलब कि कम से कम टिलिंग ऑपरेशन करके मतलब कम से कम जुताई करके क्रॉप को ग्रो करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए जीरो टिलेज, ऑप्शन बी मिनिमम टिलेज, ऑप्शन सी नो टिलेज, ऑप्शन डी हैवी टिलेज। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है आपका राइट आंसर, मिनिमम टिलेज। अभी मैंने इसको कुछ दिन पहले ही जो हमारी एक कॉम्पिटेटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर की सीरीज चल रही है उसमें हमने खूब डिटेल में आपको बताया भी, अगर आप चाहें तो जाके चैनल पर देख सकते हैं। जब आप एक कॉम्पिटेटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर की प्लेलिस्ट खोलेंगे तो उसमें एक लेक्चर मिलेगा जिसमें मिनिमम टिलेज हेडिंग आपको मिल जाएगी, वहां से आप चाहें तो जाके देख सकते हैं कि ये मिनिमम टिलेज होता क्या है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, फॉर व्हिच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर इंडिया इज फुल्ली डिपेंड ऑन इम्पोर्ट, मतलब कि भारत में ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर है जो फुल्ली इम्पोर्ट किया जाता है, मतलब इंडिया में वो फर्टिलाइजर हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते या नहीं करते हैं, वो कौन सा फर्टिलाइजर है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, ऑप्शन बी फॉस्फोरस फर्टिलाइजर, ऑप्शन सी पोटेशियम फर्टिलाइजर या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है पोटेशियम फर्टिलाइजर ये आपका ट्रू आंसर है। पोटाश एक ऐसा प्लांट न्यूट्रिएंट है जिसको हम अपने देश में फर्टिलाइजर के फॉर्म में बना नहीं सकते, मतलब पोटाशिक फर्टिलाइजर हमारे यहाँ नहीं बनता, इसको हम फुल्ली इंपोर्ट करते हैं, दूसरे देशों से हम मंगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं क्या कह रहा है, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी एम द ग्रोथ रेट ऑफ, मतलब जो नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी है उसका एम है एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट को कितने से ज्यादा रखना, 2.5% पर ईयर से ज्यादा रखना, 3%, 4% या 5%। मतलब जैसे ग्रोथ रेट होती है उसी टाइप से एग्रीकल्चर की नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी के अंतर्गत एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट रखने का कितने रखने का एम है। ऑप्शन आपके इस प्रकार से हैं, तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी है 4% से ज्यादा ये एम रखा गया है कि एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ रेट है पर ईयर वो 4% से ज्यादा होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हिच इज द लीडिंग स्टेट इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्राउंड नट, ग्राउंड नट के प्रोडक्शन में यानी कि मूंगफली के प्रोडक्शन में इंडिया का कौन सा स्टेट लीडिंग स्टेट है, मतलब सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसमें से आपका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी है, गुजरात। गुजरात जो है वो ग्राउंड नट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। जब इस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस समय ग्राउंड नट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? गुजरात। हो सकता है इन द फ्यूचर कोई रिप्लेस कर दे गुजरात को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 136 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, रिमोट सेंसिंग हेल्प इन स्टडी, रिमोट सेंसिंग एक प्रकार की टेक्नोलॉजी होती है
इसमें क्या किया जाता है, जैसे मान लो कि ये हमारी अर्थ है, ठीक, एक सेकेंड, ये हमारी अर्थ है, हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो हमारी अर्थ ये है। यहाँ दूर कहीं पर, यहाँ पर हमने एक सेटेलाइट रखी है। अब मान लो हमने इतने एरिया पर यहाँ पर गेहूं की बुआई कर रखी है, इतने एरिया पर हमारे वन है, इतने एरिया पे हमारा समुद्र है, ठीक। तो ये तीन ऐसे हैं। अब जब रिमोट सेंसिंग होगा तो क्या होगा कि यहाँ से सेंसर जो होते हैं उसके सैटेलाइट के, वहां से यहाँ तक के बीच की तस्वीर खींचेंगे, ठीक, वो यहाँ की पिक्चर लेंगे और इस पिक्चर को ले जाके यहाँ, फिर यहाँ से डाटा कलेक्शन सेंटर जो होता है वहां पर ये डाटा दे देंगे। एक डाटा कलेक्शन सेंटर होगा, यहाँ से फोटो खींच के सैटेलाइट यहाँ दे देगा, और यहाँ पर कंप्यूटर के माध्यम से हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि यहाँ कितने एरिया में खेत है, यहाँ कितने एरिया में क्या है जंगल है, और यहाँ कितने एरिया पर पानी है। तो इसी टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं रिमोट सेंसिंग। इस समय जो गूगल मैप काम करता है, ये रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के तहत काम करता है। इस समय जो फील्ड लेवलिंग वाला काम होता है, ये भी रिमोट सेंसिंग टेक्निक से होता है। जो जीपीएस है, ये भी रिमोट सेंसिंग की मदद से काम करता है। समझ गए, रिमोट सेंसिंग मतलब कहीं का डाटा कलेक्ट करना, वो भी बिना उसको टच किए हुए, समझ गए, केवल देख के जान लो कि हाँ वहां की चीजें कैसी हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? क्रॉप्ड एरिया, ऑप्शन बी सॉइल कैरेक्टर्स, ऑप्शन सी ग्राउंड वाटर, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो बात समझते हैं, इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ये राइट आंसर है, ऑल ऑफ द एबव। कैसे क्रॉप्ड एरिया को हम कैसे जान सकते हैं? जैसे मान लो इतनी दूर पर हमने क्रॉपिंग कर रखी है, लैंड अर्थ पर इतनी दूर पर हमने क्रॉपिंग कर रखी है। अब जब इसके ऊपर से हम अंतरिक्ष से देखेंगे इस खेत में, तो इतने एरिया को वो पिक्चर में कैद कर लेगा। उसके बाद फिर इसको कैलकुलेशन करके हम निकाल लेंगे कि कितने एरिया पर क्रॉपिंग की गई है। तो टोटल क्रॉप्ड एरिया निकालना होता है, या गेहूं कितना बोया गया है, धान कितना बोया गया है, शुगर केन कितना बोया गया है, इन सब की डाटा जो होता है ये स्टैटिक डिपार्टमेंट के पास पड़ा रहता है कि हाँ भारत में कितने हेक्टेयर पर किस फसल की खेती हो रही है। और उसी तरीके से हम सॉयल के करेक्टर भी जान सकते हैं। कैसे? सॉयल का जो मैक्सिमम करेक्टर होते हैं वो उनके रंग देख के हम बता सकते हैं। सॉयल का कलर जैसा है, सॉयल का कलर देख के हम उसका करेक्टर लगभग लगभग बता सकते हैं, ठीक। तो सॉयल का कलर हम पिक्चर, अगर हम फोटो क्लिक करेंगे रिमोट सेंसिंग के थ्रू सेटेलाइट से, तो हमें सॉयल का जो कलर है वो पता चल जाएगा, और उससे हम सॉयल के करेक्टर्स आसानी से जान सकते हैं। अब अंडरग्राउंड वाटर कैसे जान सकते हैं, इसको समझो। अंडरग्राउंड वाटर तो धरती के नीचे होता है, वहां कैमरा कैसे जाएगा? तो उसकी एक एक टेक्निक होती है। अगर मान लो इतनी एरिया पर हमने ढेर सारा क्या लगा रखा है, फॉरेस्ट एरिया लगा रखा है, ठीक, और इस एरिया में क्या है, इधर वाले एरिया में माउंटेन है, तो क्या होगा? और इधर वाले एरिया में, इधर जो है, इधर हमारा क्या है, इधर मान लेते हैं कि हमारा समुद्र है। तो जब इधर से हवाएं चलेंगी तो ये हवाएं आएंगी पहाड़ों पर, और पहाड़ से टकरा कर ये ठंडी हो जाएंगी, और जब ठंडी होंगी तो इस एरिया में ये बरसात कर देंगी। जिस तरह इंडिया में बरसात होती है वो इसी टेक्निक से होती है। तो वही चीज देख के ये अनुमान लगाते हैं कि यहाँ कितना पानी बरसेगा, और जहां जितना ज्यादा पानी बरसता है वहां उतना ही अंडरग्राउंड वाटर होता है, समझ गए। अरे जहां पानी ज्यादा बरसेगा वहां ज्यादा नदी नाले होंगे, और नदी नाले होंगे तो ये वाटर, अंडरग्राउंड जो वाटर है इसके लेवल को बढ़ाएंगे। तो ये तीनों टेक्निक हम रिमोट सेंसिंग से स्टडी कर सकते हैं, ये तीनों चीजें, समझ गए बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 136-137 क्वेश्चन। सनफ्लावर एक्ट एज एन इंडिकेटर प्लांट टू डायग्नोज द डिफिशियंसी ऑफ। सनफ्लावर एक ऐसा प्लांट है जो निम्नलिखित में से कौन से न्यूट्रिएंट को बताता है कि इसकी डिफिशियंसी है, मतलब किसकी डिफिशियंसी की वजह से सनफ्लावर में ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, उसके प्रोडक्शन में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आपका जो ऑप्शन है, ए बोरान, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी फॉस्फोरस। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए है, बोरान। बोरान की कमी से सनफ्लावर के जो इनफ्लोरेसेंस होते हैं, उसके जो फूल होते हैं, वो सही से डेवलप नहीं होते। देखो ये नॉर्मल सनफ्लावर है जिसमें बोरान की कमी नहीं है, और ये अफेक्टेड है क्योंकि इसमें बोरान की कमी हो गई। तो बोरान की अगर कम हुई हो जाएगी, ऐसा अगर
सनफ्लावर में, तो उसका जो प्लांट होगा, उसका जो इन्फ्लोरेसेंस या फ्लावर होगा वो इस तरीके से होगा, और अगर नहीं कमी है नॉर्मल कंडीशन में है तो ऐसा होगा फ्लावर। समझ गए बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट कंसिडर एज द फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट। फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट इनमें से कौन सा कंसिडर नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी सल्फर, ऑप्शन नंबर डी जिंक। अब बात समझो, फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? वो न्यूट्रिएंट जिनको हम फर्टिलाइजर के माध्यम से देते हैं, प्लांट को हम फर्टिलाइजर के माध्यम से दे सकते हैं, तो इनमें से कौन सा नहीं है, नहीं कंसिडर किया जाता है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए है, कार्बन। कार्बन जो होता है इसको हम फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट नहीं मानते, क्योंकि ये कार्बन हमें कहाँ से मिलता है, ये ज्यादातर जो कार्बन होता है ये हमें ऑर्गेनिक मैटर से मिलता है। हमारे पास कोई कार्बनिक फर्टिलाइजर नहीं है कि हम इस फर्टिलाइजर को जैसे यूरिया के लिए यूरिया डाल देते हैं तो नाइट्रोजन मिल जाता है, सल्फर का कोई डाल देते हैं तो सल्फर मिल जाता है, जिंक सल्फेट डाल देते हैं तो जिंक मिल जाता है। इस तरीके से कोई कार्बन वाला एलिमेंट हमारे पास नहीं है कि कोई ऐसा फर्टिलाइजर नहीं है जिसको हम डालें तो हमारे खेत में कार्बन की मात्रा बढ़ जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को ज्यादा से ज्यादा खेत में मिलाते हैं, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे फार्म या मैन्योल हो, या और भी ढेर सारे होते हैं, उन सबको हम डाल के कार्बन की मात्रा बढ़ा सकते हैं, हम फर्टिलाइजर नहीं डाल सकते। इसी वजह से कार्बन को फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट नहीं कंसीडर किया जाता है। समझ गए बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 139 द टाइप ऑफ जर्मिनेशन इन मूंग बीन इन नोन एज। मूंग बीन में जो जर्मिनेशन होता है वो किस तरीके से होता है? ऑप्शन ए इपीजियल, ऑप्शन बी हाइपोजियल, ऑप्शन सी हाइपो इपीजियल, ऑप्शन डी इपी हाइपोजियल। ठीक, अब इसमें जो आपका राइट आंसर है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इपीजियल, ये आपका जो राइट आंसर है। ठीक, अब बात कर लेते हैं इपीजियल में जितने भी, देखो जितने भी लेगुमिनस क्रॉप होती हैं उनमें इपीजियल टाइप का जर्मिनेशन होता है, और जितनी ग्रेमिनी कुल की क्रॉप्स होती हैं, ग्रेमिनी या पोएसी कुल की यानी धान गेहूं अनाज वाली फसलें जो होती हैं उनमें हाइपोजियल टाइप का जर्मिनेशन पाया जाता है। अब इपीजियल और हाइपोजियल टाइप का जर्मिनेशन होता क्या है ये थोड़ा हम देख लेते हैं। इपीजियल जर्मिनेशन में क्या होता है कि जब हम सीड को मिट्टी में बोते हैं, जब इसको हम सो कर देते हैं यानी कि मिट्टी में इसकी बुआई कर देते हैं जब सीड की, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ये इसकी जड़ निकलती है। ठीक, सीड से सबसे पहले जड़ निकलेगी, और जब जड़ निकलेगी तो ये जड़ इतनी तेजी से बढ़ने लगती है कि ये सीड को मिट्टी के बाहर लेके चली जाती है। देखो यहाँ सीड अंदर था लेकिन यहाँ पर देखो ये सीड बाहर आ गया, क्यों? क्योंकि जड़ तेजी से ग्रो करने लगी, इसी वजह से ये बाहर चला आया। अब बाहर जब आता है तो इसका जो कोटिलीडन है जिसको हम हिंदी में बीज पत्र बोलते हैं, इसका ये बीज पत्र पहली पत्तियां बनाता है। ये जो दो पत्ती दिख रही है ये पहली पत्ती जो बनाता है ये कोटिलीडन बनाता है, तो ये इपीजियल टाइप का होता है। इसी को हम बोलते हैं भूम्योपरिक अंकुरण। इसमें जब अंकुरण होता है तो सीड जो है वो जमीन के बाहर निकल आता है। ठीक, अब अगला जो है वो हाइपोजियल टाइप का जर्मिनेशन है। इसमें पहले सीड निकलेगा, सॉरी रूट निकलेगा, रूट जैसे निकलेगा उसके तुरंत बाद इपिकोटाइल भी इसका निकलेगा, इपिकोटाइल बराबर ग्रो करके बाहर आया जाएगा और जमीन में नीचे जड़ चली जाएगी। तो इसका जो सीड होता है ये बिल्कुल जहां हम डालते हैं वहीं पड़ा रहता है, ये ऊपर नहीं निकल के आता। इसमें देखो ये ऊपर निकल के चला आया है। ठीक, इपीजियल में ऊपर चला जाता है, जबकि हाइपोजियल में क्या होता है ये नीचे ही जहां हमने सो किया है, जहां हमने बुआई की है वहीं पड़ा रहता है। ठीक, तो इसी को बोलते हैं हाइपोजियल यानी कि अधोभूमिक अंकुरण। समझ गए बात। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर देखो, बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सोयाबीन। सोयाबीन के अंदर ऐसा बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? ऑप्शन ए राइजोबियम फेसियोली, राइजोबियम ग्लाइसियम ग्लाइसिकम, राइजोबियम जापोनिकम, या राइजोबियम लेगुमिनो सेरम। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राइजोबियम जापोनिकम इज द बैक्टीरिया व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सोयाबीन क्रॉप। ठीक, सोयाबीन की जो क्रॉप होती है उसमें
राइजोबियम जपोनिकम जो होता है यह एनवायरमेंट के नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके रूट जोन में फिक्स कर देता है, जिससे पौधों की जो नाइट्रोजन की डिमांड होती है जो हम फर्टिलाइजर के रूप में देते हैं यह कम हो जाती है। यानी कि दलहनी फसलों में हमें ज्यादा नाइट्रोजन नहीं देना पड़ता है, केवल 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर अगर हमने नाइट्रोजन दे दिया है तो उतना इनफ होता है, समझिए केवल बेसल डोज नाइट्रोजन के देते हैं, उसके बाद इसमें हम टॉप ड्रेसिंग करके नहीं देते हैं ठीक फर्टिलाइजर, और खासकर यूरिया तो नहीं देते, मतलब नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर तो नहीं ही देते हैं। अगला है 141 क्वेश्चन, सिसमम बिलोंग टू द फैमिली, जो सिसमम होता है ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। नंबर ऑप्शन नंबर जो ए है चिनोपोडियेसी, ऑप्शन नंबर बी पेपलिनियोसी, ऑप्शन नंबर सी लेगुमिनियोसी लेगुमिनेसी, ऑप्शन डी पेडलियेसी। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेडलियेसी फैमिली सिसमम जो होता है यह पेडलियेसी फैमिली का क्रॉप होता है, समझ गए बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्लू क्लोरारिल कैन बी यूज इन सोयाबीन एज, ये एक प्रकार का जो फ्लू क्लोला क्लोरारिलिन है ये एक प्रकार का फंगीसाइड सॉरी एक प्रकार का हर्बिसाइड है, यानी कि खरपतवार नाशक है। ये किस टाइप का खरपतवार नाशक है, ऑप्शन नंबर ए प्री इमर्जेंस है, पोस्ट इमर्जेंस है, या प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन है, या नन ऑफ दीज है। अब देखो प्री इमर्जेंस क्या होता है कि खरपतवार को निकलने से पहले डाला जाता है, इमर्जेंस का मतलब ग्रो करना या उसके उत्पत्ति होना ठीक, उससे पहले डाल देते हैं, या इमर्जेंस के बाद डालते हैं यानी जब खरपतवार थोड़ा थोड़ा ग्रो कर जाएगा बड़ा बड़ा हो जाएगा तब डालेंगे। ये दो टाइप के होते हैं प्री इमर्जेंस और पोस्ट इमर्जेंस, तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी है प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। ये जो फर्टिलाइजर ये जो हर्बिसाइड होता है ये प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन टाइप का हर्बिसाइड होता है जो सोयाबीन की क्रॉप में ये यूज करते हैं, समझ गए बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टपिंग ऑफ सनफ्लावर प्लांट इज बेनिफिशियल, ये जो टपिंग ऑफ होता है ये क्या होता है, टपिंग ऑफ में क्या होता है, सनफ्लावर में किया जाता है और ये किया क्यों जाता है, इसका बेनिफिशियल ये क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट रखा जाता है टपिंग ऑफ, ये क्या करता है। ऑप्शन ए टू रिड्यूस लॉजिंग केरिया गाला, टू प्रमोट ब्रांचिंग, सॉरी ये जो ये आगे लिखा है ये गलत हो गया है, टू रिड्यूस लॉजिंग यानी कि पौधे को गिरने से बचाता है, जैसे धान की लॉजिंग हो जाती है मतलब धान के पौधे लेट जाते हैं उस टाइप को उसको लॉजिंग बोलते हैं, टू प्रमोट ब्रांचिंग एंड फ्लावरिंग, ब्रांच और फ्लावरिंग को प्रमोट करने के लिए करते हैं, या टू रिड्यूस वाटर लॉस को रिड्यूस करने के लिए, या ऑल ऑफ द अबव। तो टैपिंग ऑफ जो सनफ्लावर में करते हैं वो क्यों करते हैं, तो बात समझो ऑप्शन नंबर जो बी है टू प्रमोट ब्रांचिंग और फ्लावरिंग, इसको करने के लिए प्रमोट करने के लिए यानी कि ज्यादा से ज्यादा ब्रांच हो ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग हो इसके लिए हम टपिंग ऑफ करते हैं, समझ गए बात। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, डिलेंटिंग ऑफ कॉटन सीड मे बी डन विथ, जो डिलेंटिंग होता है ये कॉटन सीड में इसको कैसे कर सकते हैं, किस केमिकल से कर सकते हैं, पहले डिलेंटिंग समझो होता है क्या है। जो हमारा कॉटन का सीड होता है उसी के ऊपर जो हमारा कॉटन होता है जो हमारा इकोनॉमिक ये सीड है बीच में तो इसके ऊपर ये जो रोए होते हैं यही हमारा जो इकोनॉमिक प्रोडक्ट होता है यही हमें यूज करते हैं यही होता है क्या इसी को हम यूज करते हैं कॉटन रुई के रूप में। तो इस सीड को निकालने की जो प्रक्रिया होती है उन्हीं को हम बोलते हैं डिलेंटिंग बोलते हैं ठीक। तो इसको केमिकल के द्वारा भी किया जाता है, मशीन के द्वारा भी करते हैं और केमिकल के थ्रू भी करते हैं, केमिकल डाल के मगर मशीन में डाल देंगे उसको आसानी से तो सीड अलग हो जाता है, सीड अलग हो जाएगा और रुई अलग हो जाएगी। तो इसको हम किससे कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी साइट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए है सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है इससे हम डिलेंटिंग करते हैं कहाँ पर, कॉटन की क्रॉप में, समझ गए इतनी बात। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो डिलेंटिंग ऐसे होता है
ठीक, अभी मशीन में रुई डाल रहे हैं, अब इसका सीड अलग हो जाएगा और जो इसकी रुई है वो अलग हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन पर हेक्टेयर फॉर कॉटन हैज एस्टिमेटेड। कॉटन की कल्टीवेशन के लिए 1 हेक्टेयर में लगभग कितने प्लांट होने चाहिए? 25,000 से 50,000, 30,000 से 60,000, 50,000 से 80,000 या 80,000 से 1,00,000। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, 50,000 से 80,000 प्लांट पर हेक्टेयर, ये आपका जो है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द इंसेक्ट वॉलवर्म इज कॉमनली फाउंड इन। जो इंसेक्ट वॉलवर्म है ये कॉमनली किस में पाया जाता है? मेज में, वीट में, कॉटन में या फिर राइस में। तो जो मेज का ये जो वॉलवर्म है ये मेनली पाया जाता है कॉटन में। अब वॉलवर्म क्या होता है? जो कॉटन के बॉल होते हैं, बॉल का मतलब जिसमें रुई भरी होती है, एक इन्हीं को हम बॉल बोलते हैं, इनके अंदर रुई भरी होती है, इसी को बाद में जब ये सूख जाता है तो फट जाता है और इसमें इसके अंदर से रुई निकलती है। तो ये वॉलवर्म जो इंसेक्ट है ये मैच्योरिटी से पहले ही इस बॉल को बॉल में छेद कर देता है, छेद करके सीड को खा जाएगा, तो जिससे जो रुई है वो खराब हो जाएगी, रुई की क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो इसको हम ये ज्यादा किस में पाया जाता है? ये कॉटन में पाया जाता है, इसीलिए मैंने चित्र भी लगा दिया है कि आप फिगर के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं कि आप भूलें भी ना, समझ गए। तो कॉटन जो वॉलवर्म है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट इंसेक्ट है। अब बात समझो यार, देखो कुछ चीजें होती है ना उसको याद नहीं करना पड़ता। जैसे मैंने इसको कैसे याद किया था, मैं जब भी बोलता था तो कॉटन वॉलवर्म इंसेक्ट बोलता था, कभी वॉलवर्म ना बोलो, कॉटन वॉलवर्म इंसेक्ट बोलो, समझ गए। ऐसे रस्ट ऑफ वीट या वीट रस्ट बोलो, तो वीट में रस्ट लगता है ऐसे पता चल जाएगा, ठीक। कॉटन में वॉलवर्म लगता है तो ऐसा समझ जाएंगे। जैसे मैंगो माल फॉर्मेशन, केवल माल फॉर्मेशन ना पढ़ो, मैंगो में लगता है तो मैंगो माल फॉर्मेशन पढ़ो। गुआवा में बिल्ट एक बहुत खतरनाक बीमारी लगती है तो उसको कैसे पढ़ो? गुआवा बिल्ट पढ़ो, ठीक। जैसे कैंकर लगता है तो केवल कैंकर ना पढ़ो, सिट्रस में कैंकर लगता है तो उसको कैसे पढ़ो? सिट्रस कैंकर। इस तरीके से जो पढ़ोगे, जैसे पपाया, पपाया में एक डैम्पिंग ऑफ लगता है, ठीक, तो पपाया डैम्पिंग ऑफ, डैम्पिंग ऑफ ऑफ पपाया, ऐसे जब बोलोगे डिजीज का नाम तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि ये डिजीज किस प्लांट में लगती है, समझ गए। ऐसे मैंने याद किया था तो इसी वजह से हम आपको बता रहे हैं, ऐसे आप चाहें तो याद कर सकते हैं। स्टोमेटा क्लोजिंग कैन बी इंड्यूस बाई, स्टोमेटा क्लोजिंग को किसके द्वारा इंड्यूस किया जाता है, मतलब स्टोमेटा को किसके द्वारा ऐसा किया जाता है कि स्टोमेटा बंद रहे? क्योलाइन के थ्रू, या लिंसीड ऑयड के थ्रू, या 2,4-D, या PMA, किसके थ्रू स्टोमेटा क्लोजिंग को हम इंड्यूस कर सकते हैं, मतलब इस केमिकल को अगर हम डाल देंगे तो वो क्या होगा, स्टोमेटा बंद हो जाएगा। तो ये जो है आपका राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर डी, PMA, जिसका नाम है फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। PMA का फुल फॉर्म क्या होता है? फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। ये क्या करता है, जब हम इसको पत्तियों पर छिड़क देते हैं तो पत्तियों के स्टोमेटा को ये क्या कर देता है, बंद कर देता है। और अगर स्टोमेटा बंद हो जाएगा तो ट्रांसपरेशन जो है, जिससे वाटर लॉस होता है प्लांट में, वो नहीं होगा, समझ के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 148, द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ मेज फॉर इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू इज। सबसे ज्यादा क्रिटिकल स्टेज कौन सा ही इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो मेज में कौन सा है? मेज में इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट क्रिटिकल स्टेज कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए सिल्किंग स्टेज, ऑप्शन नंबर बी टेसलिंग स्टेज, ऑप्शन नंबर सी बूटिंग स्टेज, ऑप्शन नंबर डी ड्रॉट स्टेज। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी टेसलिंग स्टेज। अब बात समझते हैं टेसलिंग क्या होता है और सिल्किंग क्या होता है। जब मेज में टेसल्स निकलते हैं, यानी कि जब मेल पार्ट निकलता है, जिसको जो ऊपर निकला होता है मेज के प्लांट के जो सबसे ऊपरी पार्ट पर होता है, जिसको हम लोग गांव में देहात में लोग जीरा जीरा बोलते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं टेसल। तो जब ये टेसल निकलता है तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं टेसलिंग। और जो नीचे जो मूछ जैसा निकलता है, जिसपे दाने लगे होते हैं मक्का वाले, उस वो सिल्क जैसा लगता है ना, देखो लगता है जैसे बाल है, पहले हरा हरा होता है फिर बाद में वही ब्राउन ब्राउन कलर का हो जाता है, और अंतिम में जब वो सूख जाता है बिल्कुल तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है। तो अधिकतर जब वो ब्राउन कलर का होता है तभी हम उसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं।
तो ये क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं सिल्किंग स्टेट। देखो सिल्की सिल्की लगता है जैसे बाल, ठीक, इसी वजह से उसको ऐसे याद कर सकते हो कि सिल्की सिल्की बाल जैसे वो सिल्किंग स्टेज हो गई। एक हो गई सिल्किंग स्टेज, और जो टेसल निकलते हैं जो प्लांट के ऊपरी पार्ट पर होता है वो टेसलिंग स्टेज होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेसलिंग और सिल्किंग ये दोनों में से पहले कौन सा आता है, पहले टेसल आता है कि पहले सिल्क आते हैं। तो पहले जो आता है वो क्या आता है, टेसलिंग, यानी कि पहले ऊपरी वाला पोर्शन आएगा फिर उसके बाद निचला वाला पोर्शन आएगा, समझ गया, यानी कि पहले मेल पार्ट आएगा बाद में फीमेल पार्ट आएगा। अब देखते हैं 149 क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन वाटर एंड फर्टिलाइजर एज प्रोडक्शन फंक्शन इन क्रॉप इज, मतलब प्रोडक्शन फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वाटर में और फर्टिलाइजर में क्या रिलेशन है। ऑप्शन नंबर ए एडिक्टिव रिलेशन, ऑप्शन बी सिनर्जेटिक या एंटागोनिस्टिक, ये नन ऑफ दीज। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सिनर्जेटिक है, यानी कि एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। बात समझो कि कितना भी हम फर्टिलाइजर खेत में डाल दें, अगर खेत में पानी नहीं होगा तो फर्टिलाइजर पौधे ले नहीं पाएंगे, ठीक, और अगर हम कितना भी पानी दे दें खेत में फर्टिलाइजर नहीं होगा तो हमारा प्रोडक्शन नहीं होगा। मतलब ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, क्योंकि प्लांट को अगर न्यूट्रिएंट लेना है तो वाटर के थ्रू लेगा, ठीक, और अगर प्लांट में न्यूट्रिएंट नहीं है तो प्लांट ग्रो ही नहीं करेगा, तो वाटर की डिमांड ही नहीं ज्यादा रहेगी, समझ गए। तो ये दूसरे एक दूसरे के ये क्या होते हैं, पूरक होते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं सिनर्जेटिक, ये सिनर्जेटिक फैक्टर होते हैं। प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन फैक्टर के रूप में देखा जाए तो वाटर और फर्टिलाइजर ये दूसरे को सहयोग करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ग्रोइंग ऑफ कोकोनट ब्लैक पीपर एंड जिंजर सिमल्टेनियसली इन द सेम फील्ड इज कॉल्ड। देखो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो, हमारा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को आप शेयर कर सकते हैं अगर मेरा आपको एफर्ट अच्छा लग रहा हो। अब समझते हैं कि ग्रोइंग ऑफ कोकोनट, जो कोकोनट है इसकी ग्रोइंग, ब्लैक पीपर की ग्रोइंग और जिंजर की, तीनों की एक साथ ग्रोइंग करना, सिमल्टेनियसली मतलब साथ साथ में ग्रो करना, किसका एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए रिले क्रॉपिंग का, ऑप्शन बी इंटरक्रॉपिंग का, ऑप्शन सी मल्टीपल क्रॉपिंग का, या ऑप्शन डी मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग का। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, पहले ध्यान से बात समझ लेना, ये हमारा कोकोनट है, ठीक, कोकोनट में जो फल लगेगा वो यहाँ लगेगा, इसकी हाइट बहुत ज्यादा है और इसका जो रूट पोर्शन है ये भी बहुत गहरा जाएगा। उसके बाद फिर हमने कहा ब्लैक पीपर, ब्लैक पीपर क्या होता है, ये लता होती है, ठीक, ये क्या करेगा, इसी के ऊपर ऐसे चढ़ जाएगा, ठीक, अब इसी के ऊपर जैसे ऐसे फैलता चला जाएगा और इस प्लांट पे ब्लैक पीपर लग जाएगा। और जिंजर जो होता है वो जमीन पर लगेगा, तो इससे क्या होता है कि तीन तरीके का हो गया, अगर हम बीच में चाहें तो यहीं केला भी लगा सकते हैं। तो अब देखो एक की हाइट कहाँ है, एक तो है जमीन के अंदर, दूसरा कहाँ है, इतनी हाइट पर, तीसरा कहाँ है, इतनी हाइट पर, और एक चौथा क्या है, नीचे से लेके ऊपर तक जहां जहां जगह बच रही है पूरे पौधे पर है, ठीक। तो इस टाइप के क्रॉपिंग से क्या करते हैं, हम ज्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं कम लैंड में, मतलब कम भूमि में हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। और ये जो एग्जाम्पल है ये मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग का है, मतलब देखो ध्यान से, एक लेवल तो यहाँ था कि जमीन में, एक था ये वाला, यहाँ पे मान लो बनाना था तो बनाना की हाइट यहाँ तक, कोकोनट की हाइट यहाँ तक, और उसके ऊपर ब्लैक पेपर लगा दिया तो कोकोनट जो हमारा था, कोकोनट पे ब्लैक पेपर भी ऐसे लता जैसे चढ़ गया, ठीक। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक इजाजत दीजिए, धन्यवाद।